Good morning, students. This video is for class 3rd EVS, and today we will start the chapter 4, that is animals and insects. So इस chapter में हम पढ़ेंगे animals और insects के बारे में. So let's start. Animals, big and small. Animal क्या होते हैं? कुछ होते हैं बड़े और कुछ कैसे होते हैं? छोटे. मतलब कुछ बड़े animals होते हैं और कुछ होते हैं छोटे animals. The earth is home to many animals and insects. Just like plants, animals are also different, also of different sizes. A giraffe is a big animal, while a squirrel is a small animal. The blue whale is the largest animal on earth. तो क्या है? अर्थ क्या है? बहुत सारे animals और insects के का घर है. जैसे कि कुछ plants हो गए, animals हो तो plants जैसे अलग अलग साइज के होते हैं, plants की तरह ही animals भी क्या होते हैं? Different different sizes के होते हैं. तो जैसे कि एक जिराफ हो गया, वो एक बहुत बड़ा एनिमल है, और एक गिलहरी क्या होती है? एक छोटी एनिमल है. जैसे कि ब्लू व्हेल क्या है? लार्जेस्ट एनिमल है जो कि अर्थ पर पाया जाता है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल यू हैव सीन. ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने अब तक सबसे छोटा एनिमल क्या देखा है, वो आपको इसमें लिखना है. नेक्स्ट इज विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल यू हैव सीन, और सबसे बड़ा एनिमल आप लोगों ने अब तक कौन सा देखा है. Some animals are so small that we have to use a microscope to see them. कुछ animals क्या हैं? इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें क्या use करना पड़ता है? Microscope. Wild animals such as tigers, zebras, snakes and bears live in the jungle. They find their own food and can take care of their young ones. तो wild animals यानी कि जंगली जानवर जैसे tiger हो गया, zebra हुआ, snakes हुए, bear हुए, कहाँ रहते हैं? Jungle में. और वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद फाइंड करते हैं, और अपने जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल भी खुद करते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्स एंड हैंस आर टेम्ड और डोमेस्टिकेटेड. तो डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? यानी कि पालतू जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, घोड़ा हो गया, हैंस हो गई, इनको क्या किया जाता है? इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, इनको घर पर पाला जाता है. We get milk from goats and cows, eggs from hens and ducks. तो हमें क्या होता है? मिल्क हमें किससे मिलता है? गोट से, काउज से हमें मिल्क मिलता है, एग्स से मिलते हैं हमें हैन और डक से, एंड मीट फ्रॉम हैंस एंड गोट्स. और हैन और गोट से क्या मिलता है? मीट भी मिलता है. वी ऑल्सो ईट फिश. हम क्या फिश भी खाते हैं? मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश खाते हैं, मीट खाते हैं. शिप गिव्स अस वूल. एलिफेंट्स, बुलक्स, डंकीज, हॉर्सेज एंड कैमल्स कैरी लोड्स. तो शिप से क्या मिलती है? भेड़ से हमें ऊन मिलती है. और जैसे कि एलिफेंट हो गए, बुलक्स हो गए, डंकीज हो गए, हॉर्सेज हो गए, कैमल्स, ये क्या ये किस यूज़ में आते हैं? लोड्स कैरी करने में, मतलब वेट को उठाने में इनका यूज़ किया जाता है. बुलक्स हेल्प्स अस प्लो द लैंड एंड डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस. तो बुलक किस में हेल्प करता है? हमारा खेत को जोतने में. और कुत्ता क्या करता है? हमारे घर को गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है.